लास्ट क्लास में हम लोग जावा स्क्रिप्ट पे बहुत सारे ना छोटे छोटे चीजें देखे थे, जैसे वेरिएबल बनाने का तरीका देखे थे, या कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ उसको डालते हैं, ये सारी चीजें देखे थे। इसके रिलेटेड हम लोग कुछ 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 ना चीजें और देखना चाहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो हम लास्ट वीडियो में बताए थे, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो अपने पीछे इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, देख लीजिएगा। और डेटा टाइप के रिलेटेड जो बातें किए हैं उसमें टोटल 8 डेटा टाइप डिस्कस किए हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप के बाद यहाँ पे इंट्रैक्शन के बारे में। इंट्रैक्शन, तो नॉर्मली इंट्रैक्शन 3 तरह के होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर में। पहला इंट्रैक्शन का नाम है अलर्ट, और दूसरा इंट्रैक्शन का नाम है कंफर्म, और ये इसी तरीके से तीसरा इंट्रैक्शन है, ये स्कीमा का प्रॉम्प्टिंग हो रहा है, और इसका नाम है प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये तीनों इंट्रैक्शन बना बनाया हुआ बिल्ट इन फंक्शन से अचीव करते हैं, और देखिए यहाँ पे हम लोग करके भी देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन वो थोड़ा सा इसको एलिब्रेट और करना चाहेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया ताकि हम जावा स्क्रिप्ट कर सकते हैं, और देखो अलर्ट कैसे काम करता है। तो नॉर्मली अलर्ट के लिए हम फंक्शन लगाएंगे अलर्ट, और यहाँ बीच में जो मैसेज लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये ज़्यादातर टाइप आउटपुट देने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल किया जाने वाला फंक्शन है। और अगर हम इसको लाइव करके देखेंगे तो ये अलर्ट प्रॉम्प्ट होगा, इसको इंट्रैक्शन का पहला मेथड कहते हैं। दूसरा इंट्रैक्शन का जो तरीका है वो ये है कि हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा इंट्रैक्शन का तरीका यूजर से इनपुट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए इनपुट टेकन बाय यूजर। अगर हमको किसी यूजर से डेटा लेना है तो ये बेस्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली नम, और इसको हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे थोड़ा सा, अभी दोबारा से कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से अब आप एक मैसेज डाल दो, प्लीज इंटर योर नेम, मान लो ऐसे नम की जगह नेम कर देते हैं वेरिएबल का नाम, ये सही रहेगा, नाम डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए, इसलिए मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ। और ये नॉर्मली हम आउटपुट देखने के लिए कोई भी दूसरा तरीका लगा सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पता है ये डॉम का तरीका से आउटपुट दिया जा सकता है। लास्ट वीडियो में हम 4-5 तरीके बताए थे आउटपुट होने के। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ शादी हुसैन, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये राइट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। तो ये प्रॉम्प्ट का दूसरा तरीका। तीसरा जो तरीका है वो कन्फर्म का है, उसमें यस नो करने पर अलग अलग फेजेस होते हैं, और मैं इसको कन्फर्म फंक्शन के तौर पे यूज कर लूंगा। जैसे मैं डाटा के तौर पे यूज कर लेता हूँ, इसको डेटा स्टोर कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिखते हूँ कन्फर्म में लिख देता हूँ कि आर यू श्योर, क्या आप सच में करना चाहते हैं। यस होने पर, अगर यस होगा तो इसमें ट्रू आएगा, और फॉल्स होगा इसका मतलब है कि इसमें आपने कैंसिल बटन दबा दिया है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मली देखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं यू प्रेस एंटर बटन, PTN कर देते हैं शॉर्ट में, और इसी तरीके से यहाँ पे भी अलर्ट डाल देते हैं कि आपने कैंसिल दबाया है, इसको बता देते हैं यू एंटर यू प्रेस कैंसिल बटन, देखो कैंसिल बटन। तो नॉर्मली हम इस केस में क्या होगा कि आपसे पूछेगा क्या आप श्योर हैं, ओके दबाने से ट्रू वाला काम और कैंसिल दबाने से फॉल्स वाला काम, देखो। और कैंसिल प्रेस करते हैं सेम टाइम में, देखो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन डाल सकते हैं, ये है इंट्रैक्शन। लेकिन जो डाटा टाइप हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसमें हम लोग ये देखा था कि 8 तरह का डेटा टाइप होता है, जिसमें हम लोग नंबर को एक बार देखा था, सॉरी लेट एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया नंबर। अगर आप इसी में फ्लॉट वैल्यू डालना चाहते हैं तो लेट वाई इज इक्वल टू, फ्लॉट के लिए ये वैल्यू डालना पड़ता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हैं, ये भी सुन लो, कॉम्प्लेक्स जैसे 1+2j, इस तरह के नंबर को भी, ओ ऐसे नहीं, हाँ आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर के लिए नॉर्मली क्या होता है कि नंबर एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसमें हम इंटीजर फ्लॉट ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कुछ स्थिति ऐसी है जिसमें हम लोग इन्फिनिटी वगैरह देखते हैं, नैन देखते हैं, वो सब भी हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं इंटीजर के या नंबर के। तो नंबर डेटा टाइप पहला डेटा टाइप है जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं। देखो ऐसा है कि अगर हम ना नंबर कहते हैं किसी को तो इसका मतलब दो दो चीजें हो जाती हैं, एक हो गया इंटीजर और दूसरा हो गया फ्लॉट। ये दोनों का दोनों फ्लॉट नंबर, ये दोनों का दोनों नंबर ही कंसीडर होता है जावास्क्रिप्ट में स्पेशली। अगर मैं वेरिएबल बनाने की बात करूं तो आप नॉर्मली जब हम पॉइंट का वैल्यू नहीं देते तो उसको इंटीजर कहते हैं, और सेम टाइम में जब हम उसको पॉइंट का वैल्यू देते हैं तो उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। इसके अलावा भी और भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का 3 और चीज़ होता है, जैसे इन्फिनिटी होता है।
जैसे इन्फिनिटी वो वैल्यू है जब जैसे डिवाइड बाय जीरो, अगर हम डिवाइड बाय जीरो को चीज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, इन्फिनिटी। आप चेक करना चाहेंगे, देखिए अलर्ट वन बाय जीरो, आउटपुट देखना चाहेंगे क्या आएगा, क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी एक नंबर का टाइप है, यानी कि तीसरा जो टाइप है इसमें, इसको कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। और इसके अलावा जो चौथा टाइप भी आप कैटेगरी कर सकते हैं उसको कहते हैं नॉर्मली नैन, यानी नॉट अ नंबर। हम लोग ना इसको भी रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, देखिए वन बाय जीरो है तो हम वन बाय यहाँ पे काउ रख देते हैं, तो ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो ये प्रिंट जो होगा वो क्या आएगा, नैन। नैन मीन व्हाट, नैन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, नैन ऐसे, तो इसका पूरा मतलब नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं था। तो नंबर को नंबर से कर सकते हैं बट नंबर को स्ट्रिंग वगैरह से नहीं कर सकते। देखिए इसमें एक ऑपरेटर है प्लस, जिसको आपको लग रहा होगा कि ये काम करेगा बट ये कॉन्कैटिनेशन का काम कर जाएगा, इसलिए प्लस को छोड़कर बाकी कोई भी ऑपरेटर नंबर वाले वैल्यू के साथ ही काम करता है। देखिए ये वन का हो गया, यानी दोनों आपस में जुड़ गया। तो ये बेसिकली नंबर की कैटेगरी में ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। इन्फिनिटी नॉर्मली आप एक डेटा टाइप के तौर पे भी यूज कर सकते हो, सीधा प्रिंट कर सकते हो इन्फिनिटी, एक कीवर्ड है पूरा इन्फिनिटी जो रिटर्न कर रहा था अभी मेरे तब जब वन बाय जीरो कर रहे थे ऐसे, तो ये इन्फिनिटी नंबर हो गया। हालांकि ये इन्फिनिटी बताने का मतलब ये हुआ कि ये इनवैलिड तरीका है, सही तरीका नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा बिग इंटीजर के बारे में बताऊं, जो कि दूसरा टाइप है, बिग आई एन टी, बिग आई एन टी, ये दूसरा टाइप होगा आपका। और इस दूसरे टाइप में क्या है कि बिग इंटीजर में जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं उसमें कुछ नहीं करना, एक सफिक्स लगाना, जो भी नंबर डालना डालो कोई इशू नहीं, लास्ट में जरूर एन लगा दो। इसका मतलब है कि ये अब इंटीजर नहीं है, ये बिग इंटीजर। और बिग आई एन टी को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें हम लोग अपना वैल्यू प्रॉम्प्ट वगैरह कर सकते हैं। बिग आई एन टी के साथ तुम प्लस माइनस सब कर सकते हो, तुम चाहो तो देख सकते हो, यानी नॉर्मल जैसे बाकी के साथ करते हो। ये अलर्ट सॉरी कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, राइट क्लिक, बिग इंटीजर का एक्सप्लिसिटली हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, बिग इंटीजर का भी वैल्यू हम लोग कंडीशन में दिखा रहे हैं। देख लो ये पूरा का पूरा वैल्यू दिखा रहा है, पूरा का पूरा वैल्यू, तो नॉर्मली हम लोग पूरा वैल्यू देख सकते हैं। अगर हम एन हटा देंगे तो ये एक्सपोनेंशिएशन हो जाएगा, देखो क्या हुआ, थ्री पॉइंट और उसके बाद ये वैल्यू, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा, जो हम लिखा वो नहीं दिख रहा, तो इसके लिए आप इसको बिग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिग इंटीजर का बस काम इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आप बिग इंटीजर को एन सफिक्स, याद रखिएगा एन लगाना है सफिक्स के तौर पर, तब इसका इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बिग इंटीजर काम नहीं करेगा। तीसरी चीज़ जो हम लोग को बात करनी है डेटा टाइप के रिगार्डिंग, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो तीसरा डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इसमें क्या है, हम आपको पहले बता दिए थे तीन तरीके से बनता है। पहला तरीका है सिंगल कोट का इस्तेमाल, जैसे यहाँ देखो हेलो। दूसरा तरीका है डबल कोट्स का इस्तेमाल, जैसे कि हेलो। और तीसरा जो तरीका है वो शानदार तरीका है, वो है बैकटिक का इस्तेमाल। तो ये सी नंबर पे जो है इसको बोलते हैं बैकटिक, हम यहाँ छोटी ब्रैकेट लिख देते हैं बी ए सी के टी आई सी के, बैकटिक, ठीक है। और ये तरीका है, इसको बोलते हैं सिंगल कोट, सिंगल कोट कैरेक्टर ही कोट्स, और ये डबल कोट्स, ठीक है। तो ये तीनों अवेलेबल है आपके पास, बट वेरिएबल अगर बीच में डालने की बारी आएगी तो आप हमेशा बैकटिक ही यूज कीजिएगा। वो केस भी आपको हम करके दिखा देते हैं, देखिए क्या होगा। तो नॉर्मली क्या है कि आप एक्सप्रेशंस वगैरह सब कर सकते हैं। देखो लेट एक्स इज इक्वल टू, मान लो यहाँ लिखा हेलो और हम चाहते हैं यहाँ पे जुड़े हेलो 5+3, या फिर आप चाहते हो कि रिजल्ट आपका रैंक वैल्यू दिखाए बट ऐसे दिखाए आर्यन की रैंक इज इक्वल टू 5+3। अब इसको प्रिंट करो, देखो हम प्रिंट कर रहे हैं, अलर्ट में प्रिंट कर देते हैं एक्स। अब क्या आउटपुट आएगा, 5+3 आ गया बट हम क्या चाहते हैं 8 आया, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग कभी भी कंपाइलर इसको जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन नहीं समझ रहा। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लोग कंपाइलेशन करेंगे ये वो नहीं समझ रहा, ये समझ रहा स्ट्रिंग है, वो ऐसे एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है। तो इसको बस कन्वर्ट कर दो बैकटिक के साथ, ये बैकटिक लगाओ शुरू में, बैकटिक लगाओ आखिरी में, और जितना दूर को आपको जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को काम में लेना है उतना को डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालो, डॉलर लगाना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरे तरह से जावा में क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में दोनों जुड़ेगा और 8 हो जाएगा
और छोटी ब्रैकेट में आ जाएगा देखो, यानी कंप्लीट एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी वेरिएबल को भी डाल सकते हैं, जैसे देखो 30, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू और बैकटिक रैंक इज इक्वल टू नम। इस तरीके से आप वेरिएबल भी बीच में घुसा सकते हैं, देखो छोटी ब्रैकेट बैकटिक लगा दो। तो अब ये वेरिएबल का नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक्स ऑलरेडी था मेरे पास, इसको वाई कर देते हैं। अब चेक करो, तो ये वेरिएबल डालने की बात हो या फिर डायरेक्ट प्लस करने की बात हो, दोनों अवेलेबल हो सकता है। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कोड हम लोग लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं स्ट्रिंग में होने के बावजूद। ये बहुत बड़ी जरूरत का चीज है जो आगे हमको समझ में आएगा। और इसके अलावा जो आखिरी डेटा टाइप, इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है बुलियन। बुलियन वो डेटा टाइप है जिसमें दो ही वैल्यू होता है, बुलियन वो डेटा टाइप जिसमें दो ही वैल्यू होता है, इसमें ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रू ऐसे कैपिटल में लिखा तो भी काम करेगा, और ऐसे वाई में ट्रू इसमें स्मॉल लिखा तो भी काम करेगा, और फॉल्स लिखा छोटा तो भी काम करेगा। लेकिन ये ट्रू कैपिटल वाला अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी रिकमेंडेड नहीं है, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। और फिर ट्रू फॉल्स को तो आप यूज कर सकते हैं, देखो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, और जेड को जब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसके अलावा बुलियन में तीसरा वैल्यू होता ही नहीं है, तो आप बुलियन जब डेटा टाइप बनाएंगे तो उसमें या तो ट्रू वैल्यू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। इसके बाद है नल वैल्यू, जिसके बारे में हम लोग पहले वाला वीडियो में बात कर चुके हैं, उस पर हम छोड़ देते हैं। इसके बाद अनडिफाइंड आता है, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट आता है, उस पर बात कर चुके हैं। मैं इसको रिपीट क्यों कर रहा हूँ, उस वीडियो में भी था, इस वीडियो में रिपीट क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह है कि हम लोग को सीखना है आज डेटा टाइप का कन्वर्जन, यानी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का तरीका। वो कैसे सीखेंगे वो देखो। तो जब हम लोग कन्वर्जन की बात करते हैं, डेटा टाइप को बदलने की बात करेंगे, तो हम लोग को थोड़ी सी अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कैसे बदला जा सकता है। देखो जो डेटा टाइप हो, टाइप का कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट कन्वर्जन, और दूसरे को बोलते हैं एक्सप्लीसिट। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। इम्प्लीसिट का मतलब होता है अपने आप बदल जाना, और एक्सप्लीसिट का मतलब होता है आप बदलेंगे तब। तो देखिए अपने आप बदलने के केस में क्या मामला होता है, देखिए जब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5 या 4 और दूसरा वेरिएबल डाल देता हूँ y इज इक्वल टू, बट इसका 4 डबल कोट्स में डाल देता हूँ, तो ये स्ट्रिंग हो गया और ये वाला। अब मैं जब जोड़ने की कोशिश करूंगा कंसोल डॉट लॉग में x प्लस वाई, तो मामला क्या होगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आएगा। क्यों, इसकी वजह यह है कि जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग ये प्लस को कॉन्कैटिनेशन समझेगा, और इस वाले इंटीजर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इस वाले इंटीजर को GIT कंपाइलर क्या कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, कैसे आएगा, कंसोल क्या है, ये देखो 44। तो 44 आने का मतलब ये हुआ कि ये भी स्ट्रिंग बन चुका है, तभी ये जुड़ा है। तो ये अपने आप बदला है, जब कोई चीज कन्वर्ट अपने आप होगी उसे कहेंगे इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग या इम्प्लीसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। ऑटोमैटिक होता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड, हम कन्वर्ट नहीं करते, कंप्यूटर कन्वर्ट करता है। इन द सेंस देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, ट्रू प्लस 1, ट्राई करो क्या आता है, 2 आ गया। क्या हुआ, ट्रू होता है बुलियन डेटा टाइप और ये होता है नंबर डेटा टाइप। ट्रू का जब इंटीजर में कन्वर्जन होगा तो वो वैल्यू क्या कन्वर्ट करके देगा, 1। तो 1 प्लस 1 आउटपुट क्या आना चाहिए, देखिए क्या आ रहा है। और यहीं पे अगर फॉल्स होता तो क्या आता, 1 आता, 0 प्लस 1। तो ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट मैंने किया नहीं, ये खुद ही कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसी तरीके से जब हम मैनुअली लिखते हैं इसको, मैनुअल जब हम कन्वर्जन करते हैं उसे कहते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब मैनुअल कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है वो सुनो। जब मैं एक्स को वाई के साथ जोड़ रहा था तो एक्स में इंटीजर तो था, लेकिन वाई में इंटीजर होने के बाद भी स्ट्रिंग था, तो मैं खाली इसके आगे प्लस का साइन लगा दूं। अगर मैं y के सामने चूंकि स्ट्रिंग था उसको मैंने पहले क्या कन्वर्ट कर दिया, नंबर कन्वर्ट कर दिया, अब वैल्यू क्या आता है वो देखो। तो क्या हुआ, ये मैंने सिर्फ प्रीफिक्स में लगा दिया प्लस का साइन, प्लस यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट किस में कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, यानी मैंने मैनुअली कन्वर्ट करवा दिया। और वो इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखा रहेगा, सपोज ये है, तो ये प्लस क्या करेगा, उसको तुरंत स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर देगा और ये यहाँ पर आउटपुट दे देगा। आ गया,
इसके कई तरीके, ये सबसे शॉर्ट तरीका है, बट इसका एक और तरीका देखो, पार्स आई एन टी, पी ए आर एस ई आई एन टी, एक फंक्शन है पूरा, इसके अंदर डाल दो तो पहले क्या होगा, पार्स आई एन टी एग्जीक्यूट होगा और वाई को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग से इंटीजर में, और तब जाके एक्स के साथ जुड़ेगा। तो वो जो मैंने प्लस के साथ काम किया है, जो मैंने प्लस के साथ काम किया, सेम ये पार्स आई एन टी कर रहा है। तो पार्स आई एन टी के अलावा और भी कोई मेथड होता है? जवाब है हाँ होता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए 4.5, अब y का वैल्यू देता हूं मैं यहां पर 4, ठीक है। अब मैं दोनों को जोड़ता हूं, वैल्यू 9.5, लेकिन मुझे यहां पर 9.5 की जगह 9 चाहिए, मेरी अपनी मर्जी है, यहां पर 9 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं आसानी आसानी समझने के लिए। टोटल इज इक्वल टू पार्स आई एन टी, पार्स आई एन टी, ये देखो। तो वो जो वैल्यू जुड़ेगा उसका इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा और टोटल प्रिंट कर देंगे, तो अब क्या आएगा, 9। पॉइंट की वैल्यू क्या हुई, डिस्टर्ब हो गई। हम लोग पार्स आई एन टी से जैसे काम कर सकते हैं, वैसे फ्लॉट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 5 और 9 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, बट हम चाहते हैं वो फ्लॉट में आए, तो हम इसके लिए पार्स फ्लॉट करेंगे, ये फंक्शन है। तो यानी हम फंक्शन की एक लिस्ट बना लेते हैं, देखो फंक्शन का लिस्ट है पार्स आई एन टी, ये इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू दो और वो कन्वर्ट होके किस में दे देगा, इंटीजर में। पार्स फ्लॉट, वो कन्वर्ट कर किस में कर देगा, फ्लॉट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू प्लस हो रहा है उसके बाद वो फ्लॉट में कन्वर्ट होकर टोटल में स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब आपको वैल्यू 9 ही दिखेगा, बट वो पॉइंट वाला वैल्यू है इसमें, 9.0 वैल्यू होता है तो नहीं दिखता। लेकिन अब हम इसमें कोई प्लस करके दिखा देते हैं, प्लस 0.2, तब आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो ये फ्लॉट हो गया और ये भी फ्लॉट हो गया, दोनों मिलकर जुड़ गया आपस में। इसी तरीके से हम इसको और भी कन्वर्जन कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर हमको एग्जाम्पल के तौर पर इसको करना है, स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, देखो एक सैंपल एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये डेटा जो टोटल आया, ये इंटीजर है, फ्लॉट है, डबल है, क्या है, फ्लॉट है, क्योंकि पार्स फ्लॉट इसको फ्लॉट बोल दिया। अब मेरा मन में आया कि हम टोटल को यहाँ पे जब दिखाएं तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें और वो जुड़े 5 से। तो अब इसको टोटल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां लगाना पड़ेगा एक मेथड, टू स्ट्रिंग, ऐसे। तो टोटल वैल्यू था फ्लॉट, लेकिन टू स्ट्रिंग लगाने से क्या बन गया, वो स्ट्रिंग से स्ट्रिंग बन गया। अब स्ट्रिंग जब जुड़ेगा 5 के साथ तो क्या आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू एक्सपेक्ट करो 9 और 5, 95, क्या आ गया, 95। टू स्ट्रिंग नहीं था तब तक, तो नंबर था, यानी 9 और 5 13 था, 14 सॉरी। और ये यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगाने से क्या बन गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो पता ही चला कि इंटीजर बनाने, इंटीजर को करने के लिए हमको यहाँ पे पार्स आई एन टी लिखना है, फ्लॉट में करने के लिए पार्स फ्लॉट लिखना है, और तीसरा जो मेरे पास यहाँ पे तरीका है वो है जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है उसके जो भी वैल्यू है, सॉरी वैल्यू, उसके साथ डॉट लगाना है, टू स्ट्रिंग लगा देना। ई क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। इस सब में वैल्यू पैरामीटर में पास करना, और इसमें पैरामीटर में पास नहीं करना है, वैल्यू के बाद डॉट लगा के मेथड की तरह एक्सेस करना है। ये ऊपर वाले दोनों को कहते हैं, इसको कहेंगे मेथड, क्योंकि इसको किसी ना किसी वैल्यू की जरूरत है चलाने के लिए, और इसे हम लोग कहेंगे फंक्शन, बना बनाया हुआ, क्या बोलेंगे इसको, फंक्शन। इसको किसी भी चलाने के लिए कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है, बस पैरामीटर में जो वैल्यू पास करेंगे उसको कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। ये मेथड और फंक्शन में अंतर इतना ही है। ये है वैल्यू, जो भी वैल्यू तुम मान रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, डॉट स्ट्रिंग, जैसे इस केस में टोटल है, इस केस में क्या वैल्यू है, टोटल, टोटल डॉट स्ट्रिंग, इसके बीच में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ये एक कमाल का चीज रहेगा। इसके अलावा और भी कन्वर्जन के तरीके हैं, वो भी देखिए, और भी कन्वर्जन के तरीके हैं, मैं सब दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे नंबर नाम का एक पूरा क्लास बना हुआ, प्रोटोटाइप क्लास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, न्यूमेरिकल 5 है, और इसमें हम लोग फिर इसके बाद डाल देते हैं फिर से नंबर, और इसमें लिख देते हैं 45। तो 5 और 45 स्ट्रिंग है, बट उसको नंबर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अब ये नंबर लिखने का मतलब ये नहीं है कि इंटीजर या फ्लॉट, नंबर अगर इंटीजर वैल्यू होगा तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लॉट वैल्यू होगा तो फ्लॉट में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए 50, देखा आपने, ये है नेक्स्ट तरीका जिससे इंटीजर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्लास, इसको क्या बोलते हैं, क्लास। तो देखा आपने तीन तरीका, फंक्शन की मदद से ऐसे कर सकते हैं, मेथड की मदद से ऐसे कर सकते हैं, और क्लास की मदद से इसमें पहला कैपिटल होगा,
क्लास को कैसे पहचानोगे? पहला कैपिटल डालना, उसके अंदर वैल्यू डाल देना। देखो नंबर का एन कैपिटल है, ये पकड़ में आएगा कि ये क्लास है, और जब इसका स्मॉल है आगे का तो ये पकड़ में आएगा मेथड या फंक्शन होगा। तो क्लास को अलग कर सकते हैं इससे बेसिकली। तो ये क्लास है नंबर, क्या नंबर ही क्लास है? जवाब नहीं। सुनिए, बहुत सारे तरीके क्लास होते हैं नंबर के अलावा। अगर आपको फ्लॉट में कन्वर्ट, सॉरी, अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग भी अवेलेबल है ऐसे। आप कुछ भी वैल्यू डालिएगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चेक करा दूं, देखिए इसके अंदर जो पैरामीटर में वैल्यू है 5 यहां और 45 यहां। अब इसको मैं नंबर कर देता हूं, सब नंबर में हो गया, और फंक्शन को चेंज करके स्ट्रिंग कर देते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि 5 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब 45 को भी, तो जब जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आने वाला है? 545, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एकदम सेम आया। तो यानी एक और क्लास है मेरे पास स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग नाम से। देखिए कन्वर्जन कितने तरीके से हो सकता है, और इसके तरीके से बोलियन भी अवेलेबल है। आप किसी भी वैल्यू को बोलियन कर सकते हैं। कैसे? देखो उस सबको देखो कैसे काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे बोलियन। अब आप इसमें नलिश वैल्यू डालिएगा। नलिश वैल्यू कौन होता है मैं बता देता हूँ। नलेबल, नलेबल वैल्यू। नलेबल वैल्यू में कौन कौन आता है? नंबर एक, देखिए हम मैं कमेंट करके लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि खाली स्ट्रिंग, इसके बीच में एक स्पेस भी ना हो। एक भी स्पेस हुआ तो खाली नहीं माना जाएगा, स्पेस हो गया ना तो वो मेमोरी में आ गया। खाली स्ट्रिंग ये वाला जिसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, ये आपको नलेबल वैल्यू बोलते हैं, यानी इसको नल से कंपेयर कर सकते हो। नल खुद अपने आप में एक नलिश वैल्यू है, फॉल्सी वैल्यू है। नलेबल वैल्यू मतलब फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी, फॉल्सी मतलब जिसमें वैल्यू फॉल्स हो सकता है। तो जब खाली स्ट्रिंग होगा तो बोलियन उसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, जब उसमें नल होगा तो उसमें उसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक इसी तरीके से जब उसमें अनडिफाइंड होगा तो वो फॉल्स वैल्यू कंसिडर होगा। अगर अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें जीरो है तो वो फॉल्स वैल्यू कंसिडर होगा। यानी इंटीजर के केस में जीरो, स्ट्रिंग के केस में डबल कोट्स खाली, नल और अनडिफाइंड, ये सब कंसीडर किसमें होगा? फॉल्सी वैल्यू में होगा। यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे बुलियन में तो ये रिटर्न में फॉल्स आएगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है एम्प्टी स्ट्रिंग, बुलियन का वैल्यू क्या दिया? एम्प्टी स्ट्रिंग। अब देखिए आउटपुट क्या दे रहा है। मैंने क्या बोला, एक स्पेस भी रहा तो वो ट्रू हो जाएगा। एक स्पेस भी आपको मैटर करता है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना। देखिए फॉल्सी वैल्यू, नल मैंने डाल दिया तो उसको कन्वर्ट करके बुलियन में क्या करेगा? फॉल्स करेगा। इसके अलावा अगर मैंने अनडिफाइंड डाल दिया अब क्या होगा? फॉल्स होगा। अगेन अगर मैंने जीरो डाल दिया तो क्या होगा? चलिए चार को छोड़ दीजिए, इन चारों के अलावा कोई भी वैल्यू डालिएगा फॉल्स के जगह ट्रू होगा। यानी आपको एक कैटेगरी बता देना है कि 5, 4 ये है, इसके इसके अलावा नॉट ए नंबर भी फॉल्स होगा। पांचवा नैन, मतलब मैं यहाँ नैन लिख सकता हूँ बेसिकली, टेक्निकली ऐसे कीवर्ड होता है, ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। मतलब इस 5 को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी वैल्यू बीच में डालिए देखिएगा ट्रू हो जाएगा। मैं क्या डालू, देखो नंबर डालता हूँ ये ट्रू करेगा। एनी नंबर ट्रीटेड एज ए बुलियन इन ए ट्रू वैल्यू, और जीरो छोड़कर, जीरो को छोड़ेगा क्योंकि जीरो फॉल्स ही होता है। इसके अलावा कुछ भी डालो, कुछ भी बिग इंटीजर डाल दो कोई मतलब नहीं, क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा कोई भी स्ट्रिंग डालो, कोई भी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा कोई भी स्ट्रिंग डालो, क्या कंसिडर होगा? ट्रू, बिल्कुल सही। यानी अब हम लोग यहाँ पे ये समझ गए, अनडिफाइंड का केस छोड़कर, नल का केस छोड़कर, यानी पांचों छोड़कर कुछ भी बोलियन में डालोगे वो उसको ट्रू डालेगा, और ये पांचों में से कोई भी डालोगे तो वो फॉल्स कहलाएगा। इसीलिए मैंने फॉल्सी वैल्यू की लिस्ट तैयार कर दी। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है? फॉल्स की तरह, बोलियन की तरह और भी डेटा टाइप है जिसे हम लोग बना सकते हैं। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं एरे, एरे बनाने के लिए करते हैं हम, एरे पढ़ा हम लोग। एरे का ए कैपिटल होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ओ कैपिटल होता है। ये सब फंक्शन अवेलेबल है सारे के लिए, बना बनाया हुआ क्लास है, हम लोग यूज करते जाएंगे और समझते जाएंगे। यानी किसी भी मोटे मोटे तौर पे क्या समझ में आया, किसी भी डेटा टाइप में किसी भी डेटा टाइप को बदला जा सकता है। दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, और ये दो तरह के होते हैं। कंपाइलर खुद से करे तो इम्प्लिसिट, कंपाइलर ना करे आप खुद से करे तो इम्प्लिसिट। बस इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। तो ये टाइप कन्वर्जन का टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।